नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको एक फैक्ट्री की केस स्टडी के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहूँगा। क्लाइंट मेरे बहुत पुराने हैं, उनका इन्वर्टर ट्रॉली का काम है, यानी इन्वर्टर की ट्रॉली बनाते हैं। सारी चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही थी, अचानक से उनका काम धीरे धीरे करके डाउन होता चला गया। लगभग उन्होंने नुकसान में एक साल बिता दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे याद किया, मुझे बुलाया, बंसल जी एक बार देखिएगा ऐसा क्या हो रहा है, पिछले एक साल से हमारा काम बिल्कुल ढीला चल रहा है और आज स्टेज ऐसी है, हमारे यहाँ 5 मोल्डिंग मशीन हैं, उसमें से सिर्फ एक चल रही है, बाकी सारी मशीनें हमारी बंद हो चुकी है क्योंकि हमारे पास ऑर्डर नहीं है। जब ऑर्डर आते हैं तो हमारी मशीनें दिक्कत देनी शुरू कर देती है। कुल मिला के हमारी एक ही मशीन सही चल रही है, बाकी सारी मशीनें बंद पड़ी है। जो ऑर्डर हमारे पास होना चाहिए था वो ऑर्डर भी नहीं है। ऐसा क्या हो रहा है? जब मैं वहाँ साइट पर विजिट करने के लिए गया, जैसे मैंने गेट से एंट्री की, एंट्री करते ही मैंने देखा कि उनके यहाँ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मोल्ड रखे हुए, किस चीज़ के, इन्वर्टर ट्रॉली के मोल्ड रखे हुए हैं और कम से कम 5 से 6 टन वजन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखा हुआ था नॉर्थ वॉल पर। जैसे मैंने वो देखा, देखने के बाद कहा, भाई साहब आपका काम कैसे अच्छा चल सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, आप कितने ही घोड़े दौड़ा लो सब जीरो रहेंगे क्योंकि आपने नॉर्थ ईस्ट में इतना वजन रख दिया जिसकी वजह से आपकी फैक्ट्री अच्छी नहीं चल रही। आपने जो एक साल बिताया अपने हमें बहुत मोटा नुकसान किया है। बोले बंसल जी आज हालात ऐसी है कि फैक्ट्री को शटडाउन भी कर दे दो तब भी हमें खुशी होगी। मैं, भाई साहब शटडाउन करना तो बड़ा आसान है लेकिन उसको रनिंग करना बड़ा मुश्किल है। रनिंग करनी है आपने अपनी फैक्ट्री को तो आपको अपने यहाँ से ये मोल्ड हटाने पड़ेंगे। बोले बंसल जी ये बात आप हकीकत कह रहे हैं, जिस दिन से हमने मोल्ड रखे हैं यहाँ पर तब से हमारा काम बिल्कुल धीरे धीरे करके बंद होने की कगार पर आकर खड़ा हो गया। मैंने कहा आपने ये मोल्ड यहाँ पर क्यों रखे? उन्होंने कहा बंसल जी हमने एक नई इन्वर्टर ट्रॉली तैयार की थी, नया डिज़ाइन तैयार किया था, जो पुराना डिज़ाइन था उसके जो मोल्ड है वो उठाकर हमने यहाँ रख दिए हैं। ना तो हमारा नया इन्वर्टर ट्रॉली का डिज़ाइन चला और ना ही हमारा पुराना माल चला और हम धीरे धीरे करके ऐसे स्टेज पे आके खड़े हो गए कि हमारी स्टेज ऐसी है कि फैक्ट्री को भले ही आज शटडाउन कर दो, बंद कर दो। तो मैंने कहा आप इनको हटाइएगा, हिम्मत रखिए, इनको हटाइए, आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाएंगे। उसके बाद हम आगे गए, आगे कहाँ, ऑफिस में बैठे हमने चाय ली। जब हमने चाय ली तो ऑफिस में उन्होंने सारी सेटिंग चेंज कर रखी थी। ऑफिस के भी नॉर्थ ईस्ट वॉल पर उन्होंने अलमीरा लगा रखी थी, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अलमीरा लगा रखी थी, साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफिस का बिल्कुल खाली था, वहाँ पर उन्होंने अकाउंटेंट को बिठाया हुआ था। ऐसे ही जब उन्होंने ऑफिस की सेटिंग चेंज की, ऑफिस की सेटिंग चेंज करने के बाद भी उन्हें दिक्कत आनी शुरू हो गई। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है जब भी आप अपनी फैक्ट्री के अंदर कोई रेनोवेशन करते हैं, कुछ नया ऐड करते हैं या कुछ पुरानी मशीनें हटाते हैं तो हमेशा सलाह ले लेनी चाहिए। 2 पॉइंट मैंने आपको बताए कौन कौन से, एक तो मोल्ड नॉर्थ ईस्ट में, दूसरा ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट में अलमारी रखी हुई, 2 पॉइंट। अब मैं आपको एक तीसरा खास पॉइंट और बताना चाहूँगा, उन्होंने अपने यहाँ ईस्ट में यानी पूर्व की दीवार पर सेकंड फ्लोर पर एक ठोस प्लेटफॉर्म बाहर बालकनी के अंदर बना दिया और वो प्लेटफॉर्म कम से कम 6 इंच ऊंचा। जैसे उन्होंने वो प्लेटफॉर्म बनाया उसके बाद से भी उनकी गिनती उल्टी चालू हो गई। ये 3 मेजर पॉइंट उनके यहाँ एज पर वास्तु मुझे मिले। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझे और विचार करें। आपको लगता है कि बंसल जी द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी सही है तो आप अपने फैक्ट्री के अंदर छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं। मैंने उनको सबसे पहले बताया कि मोल्ड वहाँ से हटाकर साउथ वेस्ट में यानी फैक्ट्री के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखने हैं। अगर वहाँ नहीं रख सकते तो आप इन मोल्ड को अपनी फैक्ट्री से बाहर भिजवाएं या इनको सेल करें या कहीं और रखें। बोले बंसल जी यहाँ से हटके या तो सेल होंगे या इनको हम साउथ वेस्ट में तुरंत रखवा देते हैं। ऑफिस की सेटिंग आज शाम को ही मैं यहाँ से करवा कर जाऊँगा, अलमारी साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगाएंगे और सेटिंग हमारी प्रॉपर तरीके से एज पर वास्तु करके जाएंगे। तीसरा काम, जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है वो प्लेटफॉर्म भी
हम तुड़वा देंगे, वो प्लेटफॉर्म हमारे किसी काम का नहीं है, हम उस प्लेटफॉर्म को भी वहाँ से रिमूव कर देंगे, निकलवा देंगे। इसी के साथ मैंने कुछ खास पॉइंट और उनको बताए कि आप इस तरीके से अपना सेटअप करेंगे तो आपके यहाँ माल के ऑर्डर भी आने शुरू हो जाएंगे और आपका जो पुराना स्टॉक रखा है वो स्टॉक भी पूरा निकलना शुरू हो जाएगा। आप भी इस तरह के पॉइंट अपने यहाँ फैक्ट्री में करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को एक बार नहीं कई बार ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और विचार कीजिएगा। आपको लगता है आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, कहीं से कहीं तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आप मेरी वीडियो को देखें, समझें और अपने यहाँ छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो मेरा अपना जो मानना है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। आप मुझे अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं, और आप हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप बनवाना चाहते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। मैंने अपने YouTube चैनल पर लगभग 500 के करीब वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।